हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है। देखो, इस टॉपिक को करने से पहले ना मैं आपको एक इसको कहानी से रिलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, एक जंगल में बहुत तेज आंधी था। एक रूम था जंगल में, पहला बंदा जो देखा वो रूम में आया, आराम से बैठ गया, एसी ऑन कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब पहले बंदे को आने में या कोई वर्कडन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसको किसी से लड़ना नहीं पड़ा। दूसरा बंदा जब आना चाहेगा यहाँ पर, बताओ, ये इसको इससे फाइट करना होगा, ये अंदर आने ही नहीं देगा, फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइट करना पड़ेगा, मतलब ये जब यहाँ आया तो इसको कुछ वर्क डन करना पड़ा। अब जब तीसरा आएगा तो बताओ, इन दोनों से फाइट करना पड़ेगा ऐसे, तो इसको और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा अंदर आने के लिए। उस तरह चौथे को और ज़्यादा करना होगा, समझ में आया। तो उस तरह से ना देखो क्या है, जो पहला चार्ज आएगा उसको कोई अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि कोई चार्ज नहीं अपोज करने के लिए। ठीक है, तो पहला चार्ज आराम से यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो वर्कडन बताओ, वर्कडन पहले चार्ज के लिए कितना आया? जीरो। ठीक है, वर्कडन पहले चार्ज के लिए क्या है? जीरो। अब देखो, जब दूसरा चार्ज आएगा इन्फानाइट से, तो बताओ ये Q1 क्या करेगा? Q1 के कारण इसको वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? R12। ठीक है, तो उसको Q2 को लाने में वर्क करना पड़ा, वो कितना? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वही होगा। तो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R12, इतना वर्क करना पड़ा दूसरे को लाने में। अब बताओ, अगर तीसरा का लाते हो Q3, ये मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13। तो बताओ, तीसरे को जब लाओगे तो वर्क डन जो लगेगा, और W3 इक्वल टू क्या होगा? K3 पे वर्क डन, या ऐसे कर लो, पोटेंशियल एनर्जी 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 ड्यू टू 2। तो वर्क डन 3 क्या आ गया? K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 R23, यही होगा। ठीक है, तो बताओ इस पूरे सिस्टम, ये तीन चार्ज का सिस्टम, इसको बनाने में टोटल वर्क डन कितना लगा? तो W1 प्लस W2 प्लस W3, तो क्या आ गया? 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ये हो गया। ये क्या हो गया? वर्क डन टोटल। तो देखो, अब nth चार्ज के लिए क्या होगा, हम इसी यहीं से बना सकते हैं। देखो क्या, ये आ गया 3, 3 के लिए ये आ गया। ठीक है ना, अब nth चार्ज के लिए कोई पूछेगा तो क्या होगा? nth चार्ज के लिए देखो क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन। हाँ देखो, अब यही जो वर्क डन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर कोई तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पर nth चार्ज पूछे, तो यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब nth के लिए देखो क्या करेंगे ना हम, देखो तीन चार्ज के लिए किए तो क्या आया? 1 2 1 3 और 2 3 आया। ठीक है, 1 1 तो नहीं हो सकता ना। चलो एक बार बताते हैं nth के लिए जो फॉर्मूला होगा। देखो हम क्या फॉर्मूला बना रहे हैं nth के लिए, एप्सिलॉन, सॉरी सॉरी एप्सिलॉन नहीं, देखो हम मेरा क्या है फॉर्मूला nth के लिए, Q1 QI QJ अपॉन RIJ। ठीक है, सबमिशन है ये, सबमिशन। ठीक है, तो देखो K भी आएगा, ये I कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेकर I इक्वल टू N तक। J भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से J इक्वल टू N तक, क्योंकि देखो यहाँ I J दो वेरिएबल है, तो दो बार मैं सबमिशन लगाया हूँ। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, देखो एक चीज तो कभी नहीं हो सकता ना, वन वन पे वर्क वन के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अपने के ही कारण अपने पे वर्क कोई नहीं कर सकता। तो एक चीज तो कभी पॉसिबल नहीं हो जाएगा, 1 1 भी नहीं होगा ना 2 2 होगा। तो ये तो कंफर्म है, आई नॉट इक्वल टू जे, ये लिखना जरूरी है। अब दूसरा देखो क्या है ना, दूसरा देखो क्या है, यहाँ पे 1 2 है, 2 1 तो नहीं है ना, 1 3 है, 3 1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो 2 पे 1 के कारण लगेगा, लेकिन 1 पे 2 के कारण नहीं लगेगा ना, क्योंकि जब 1 आया था उस समय तो 2 था ही नहीं। उसी तरह 3 पे 1 के कारण लगेगा, लेकिन 1 पे 3 के कारण नहीं लगेगा ना, क्यों? क्योंकि जब 1 आया था तो 3 नहीं था। उसी तरह 3 पे 2 के कारण लगेगा, लेकिन 2 पे 3 के कारण नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जब 3 2 आया था उसमें 3 नहीं था। ठीक है, तो देखो एक बात तो मेरे को पता चल गया, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होगा, 1 3 है तो 3 1 नहीं होगा, 2 3 है तो 3 2 नहीं होगा। लेकिन जब तुम यहाँ सबमिशन लिख रहे हो, तो यहाँ पे 1 2 भी आएगा, एक बार I 1 और ये 2 होगा,
और एक बार ये टू और एक बार ये वन हो जाएगा, ऐसा भी तो होगा ना इस सबमिशन में, ये तो पता चल गया ये एक केस है, ये नहीं होगा ये पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये तो रिपीट हो सकता है ना, ये वन टू और ये एक आई एक बार वन और जे क्या और टू, और एक बार आई क्या और टू जे क्या और वन, ये हो सकता है क्योंकि ये वन से एन तक और ये भी वन से एन तक है, जबकि मेरे को ये पता है वन टू है तो टू वन नहीं होगा, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे दो दो बार हर चीज रिपीट कर रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन वो नहीं होना चाहिए। तो ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, दो दो बार, तो क्या कर दो, समझ में आ गया ना हम क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में वर्क डन है, दो दो बार रिपीट कर रहा है ना, तो उसका हाफ कर दो, तो जो तुम्हारा वर्क डन आएगा वो क्या होगा, समीशन आई इक्वल टू वन से आई इक्वल टू एन तक जे इक्वल टू वन से जे इक्वल टू एन तक, ठीक है, के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, ठीक है, इंटू वन बाई टू, और एक और केस है आई कांट बी इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये एनथ के लिए क्या बन गया, वर्क डन, और यही वर्क डन क्या, दिस वर्क डन चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो यही क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाएगा, क्लियर है। ओके तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी फर्दर वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ओके थैंक यू।